बहुचर्चित ममिता मेहर हत्या घटना रे उठुचि पड़ुचि राज्य राजनीति। एही भली परिस्थिति रे विभिन्न राजनीतिक दल बीजेडी को टार्गेट करी आंदोलन करूथबा बेले आज एही घटना को ने जातीय महिला कांग्रेस सभानेत्री ममितांक गां झरणी ठारे पहुंची थिली। जातीय कांग्रेस महिला सभानेत्री नीता डिसुजा को नेतृत्व रे कांग्रेस दलीय कर्मी माने एक शोभायात्रा रे बाहरी ममितांक घर पर्यंत पहुंची थिले। प्राय एक घंटा समय धरी ममितांक बापा मां ओ भाईंक सह एही विषय रे आलोचना करी थिले। ममितांक परिवार को समवेदना जणाइबा सह एही मामलार निरपेक्ष तुरंत दाबी करी थिले। ममितांक परिवार को सह आलोचना परे गणमाध्यम प्रतिनिधि को निज प्रतिक्रिया देई थिले। एहा एक सुकल्पित हत्याकांड बोली अभियोग करबा सह एथिरे जड़ित थिबा लोकंक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउ बोली मतव्यक्त करी थिले। जातीय महिला कांग्रेस सभानेत्री को सह जातीय कांग्रेस प्रवक्ता पद्मकर गुरु, राज्य सभानेत्री बंदिता परिडा, राज्य साधारण संपादक समरेन्द्र मिश्र शताधिक कांग्रेस कर्मी सामिल रही थिले। से न्याय रे जाउ दिला मो छुआ, से अन्याय रे जाउ नीति कहीं लगे तंगो ये वाले हत्या करले सेटा किछि अपन जानै छ? सेटा तो जाड़ी नहीं आई, सेटा तो जाड़ी दिलो उसका मर्डर हुआ, उसका उसको जलाया गया, उसको सारी इंसानियत की सारी हदें पार कर चुके हैं इस केस को। और ये भी पता चला है यहाँ से कि ये कोई अचानक से कुछ हुआ नहीं है, ये पूरा प्री प्लान्ड है और ये बहुत ही बड़ा रैकेट है। यहाँ से मेरी जो सारे पूरा सरकार हिल जा, मुझे मीन्स जबकि जो पुलिस भाई भी यहाँ पे खड़े हैं और बहन भी हमारे हैं, उनके मुझे बोलने में झिझक नहीं होगी कि ये भी बात निकल के आ रही है कि होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है इसमें। होम मिनिस्टर का यहाँ पे इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा आना जाना था। अगर प्रदेश का होम मिनिस्टर ही ऐसा हो तो प्रदेशवासियों कैसे सुरक्षित रहेंगे? ओडिशा के लोगों की सुरक्षा की बात अगर करते हैं, जिस कॉलेज में ये बेटी पढ़ा रही थी सिर्फ क्योंकि उसने गलत चीज़ों को पकड़ा वहाँ पे, कि वहाँ पे बहुत सारे सालों से अब तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ चढ़ के निकल भी रही है। मुझे आप ओडिशा के जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई तो कई लोग आके बोल चुके हैं कि 20 साल पहले कैसे एक छोटी बेटी का, 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, ट्रैक्टर से रौंदा गया, कलेक्टर के सॉरी पुलिस थाने जब गए तो जो लोग गए थाने में उनको तक बंद कर दिया गया था। ये कौन सा राज चल रहा है? क्या हम जंगल राज में जी रहे हैं? आप सभी की बेटियां हैं और अगर इस तरीके से ओडिशा में ऐसे होम मिनिस्टर रहे, हमारी सबसे पहला मांग होगा कि इस केस का जांच अगर हमें निष्पक्ष तरीके से करना है तो सबसे पहले होम मिनिस्टर को हटाया जाए, होम मिनिस्टर को कस्टडी में लिया जाए, उनसे सवाल किया जाए कि वो हर हफ्ते वहाँ पे, हफ्ते में 2 बार 3 दिन वहाँ पे क्या था कि वो वहाँ पे उसे वहाँ पे जाने की जरूरत थी। उसके अलावा अंडरग्राउंड उस हॉस्टल में क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड जो पूरे रूम्स है उस कॉलेज में तहकीकात हो। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जब क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया, गोविंद साहू पकड़े गए, पुलिस हिरासत में ले लिया, लाइट चली जाती है, लाइट पुलिस स्टेशन में चली जाती है, बड़ी फिल्मी स्टाइल है ये,